लोग उस टाइम पे ऐसी हरकतें कर रहे हो। आज तारीख है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज तारीख है मेरे दोस्त, कितनी है भाई? 13 नवंबर। 13 नवंबर तारीख है, 17 दिन इसमें बचे हुए हैं और 31 दिन दिसंबर में बचे हुए हैं, यानी टोटल 48 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। जनवरी में आप लोगों का टेंटेटिव मंथ जनवरी है, एग्जाम का कभी भी हो सकता है, यानी कि कुल मिला के 50 दिन का आप लोगों के पास समय है। और 50 दिन में आप लोगों को पढ़ना कितना है इस बात का अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं है, और अंदाजा बच्चे करना होगा अगर वास्तव में आप लोगों अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, उनके सपनों को साकार करना चाहते हो, उनकी बूढ़ी आंखों में बच्चा एक आशा की किरण या उनकी बूढ़ी आंखों में थोड़ी सी खुशी देखना चाहते हो, तो इस जॉब को आपको छीनना होगा। इस जॉब को आपको छीनना होगा, और इतनी आसानी से नहीं छीनेगी दोस्त। उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए 50 दिन हर चीज त्यागनी होगी। या तो छोड़ दो या फिर छीन लो, या तो छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो या फिर छीन लो। आपके पास अभी से या तो टाइम वेस्ट करो मत, और अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चा टाइम दे रहे हो इस चीज को, तो छीनना है, हर हाल में छीनना है। और छीनेगी ऐसे नहीं कि आप कमेंट में लगे हुए हो, मैं देख रहा हूं, मतलब मुझे दुख होता है कि इतने बच्चे बेफालतू के कमेंटों में लगे हुए, बेफालतू के कमेंटों में। दोस्त बहुत समय कब निकल जाएगा, इस समय को आप चाहकर भी नहीं लौटा सकते, चाहकर भी नहीं लौटा सकते। अब देखना उन 20 तारीख में जो बच्चे आएंगे उनका प्रोग्राम देखना, अपने माँ बाप को साथ लेके आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। जब माँ बाप के सामने उसको सम्मानित किया जाएगा, उसके गले में मेडल डाला जाएगा, उसको टी शर्ट पहनाई जाएगी, तो क्या अद्भुत नजारा होगा आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। वो माँ बाप भी ये सोचेंगे कि हाँ, हमने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने आज वास्तव में हम लोगों का रोशन किया है। आप लोग समझ रहे हैं कि उन्हें खुशी देने का मतलब है, कहीं ना कहीं आपने भगवान को खुश कर दिया, कहीं ना कहीं भगवान को खुश कर दिया दोस्त। तो इस खुशी को मैं यही कहूंगा, उस खुशी को दे दीजिए। उस खुशी को देने का मतलब है कि आप लोगों को पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, किसी भी कीमत पे ये जॉब निकालनी होगी। 25,000 वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती, 26,000 वैकेंसी बहुत बल्क में वैकेंसी होती है। आप फॉर्म की चिंता मत करो कि 37 लाख, 1 करोड़, 80 लाख फॉर्म भरे गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। होगा उसी का जो बच्चे मन से पढ़ेगा, मन से जिसने पढ़ाई की होगी उसे कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। लेकिन जब क्लास चल रही थी, जब चीजों को समझने का टाइम था, तब हम लोग उलझे पढ़े थे अपनी बातों में। ये समय दोबारा से लौट के नहीं आएगा दोस्त। हर एक चीज को त्याग दो, हर एक चीज को त्याग दो जो भी आपकी सफलता में रुकावट बन रही है, उस हर एक चीज को पीछे फेंक दो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबको एक साइड फेंक दो। फरवरी में इलाज होगा, फरवरी में तुझसे मुलाकात होगी। बोल दो व्हाट्सएप से कि फरवरी में अपनी मुलाकात होगी, अब जनवरी से मुझे अपने और करना है जनवरी तक। अगर ये बात बोलने की हिम्मत है ना, तो आज ही इस बात का प्रण ले लो कि जनवरी में इस बार जो है वो वर्दी अपने नाम कर देनी है। इतना बढ़िया स्कोर करके आना है कि मैं आंसर की भी मैच नहीं करूंगा, कितनी जाएगी मेरिट, कितनी नीच, ये बात समझ रहे हो भाई? पढ़ना होगा, रुलाने के लिए नहीं, मैं सच्चाई बताने के लिए आया हूं दोस्त। सच्चाई, अभी आप मैच्योर जस्ट उस एज में आए हैं जहां कंपटीशन का दौर है, जहां कंपटीशन का दौर है, उस एज में आप लोग अभी जस्ट आए हैं, तो उस एज में शुरुआत में ही नौकरी आप लोगों को लेनी होगी, ठीक है।